प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अब 2024 में होने वाले आम चुनाव पर अपनी नजरें टिका दी हैं। विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से केवल एक सीट पर जीत हासिल करने वाली बसपा की मुखिया मायावती अब बदली हुई रणनीति के तहत उन चेहरों को आगे कर रही हैं जो भविष्य में बीएसपी के सर्वे सर्वा होंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि बसपा की पूरी सियासत इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि मायावती के भाई आनंद कुमार और उनके भतीजे आकाश आनंद की, जिन्होंने अब पार्टी की अहम बैठकों की कमान अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी है। हालांकि आनंद और आकाश क्रमशः बसपा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय समन्वयक हैं, लेकिन पूर्व में केवल मायावती द्वारा बुलाई गई पार्टी की बैठकों में ही भाग लेते थे। बसपा नेता आनंद या उनके बेटे आकाश को माया के सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। मायावती ने भी चुनाव के दौरान अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि बसपा का अगला उत्तराधिकारी कोई दलित ही होगा। बसपा सूत्रों ने कहा कि बसपा सुप्रीमो ने हालांकि अपने भाई और भतीजे को मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने को कहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि यह आनंद और आकाश के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। चुनाव के दौरान बसपा अपनी झोली में सिर्फ एक सीट डालने में कामयाब रही थी। बसपा ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और उसका वोट शेयर 2017 में 22% से घटकर इस बार 13% से कम हो गया। इससे पहले बसपा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। लंदन में MBA करके लौटे आकाश आनंद को पहली बार मायावती के साथ उस समय देखा गया था जब 2017 में दलितों और ठाकुरों के बीच हुई जाति संघर्ष के बाद सहारनपुर गई थी। बाद में वह मायावती के साथ पार्टी के विभिन्न बैठकों में जाने लगे। बाद में उन्हें और उनके पिता को मायावती ने उस साल के अंत में मेरठ में एक रैली के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं से मिलवाया था। आकाश 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तब सामने आए थे जब बसपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले सपा साथ गठबंधन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।